आपने देखा ना पार्ट वन केक का, अब आज देखिए पार्ट टू, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखा ना आपने, केक और क्रीम तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन ये बनेगी मिक्सी में। जरूरी नहीं है आपको ये मिक्सी हो, कोई भी घर में जो मिक्सी होती है, और मिक्सी का जो थोड़ा बड़ा वाला जार होता है वही आपको लेना है। सबसे छोटा जार जिसमें हम चटनी बनाते हैं वो जार आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाएगा, हमारी क्रीम परफेक्ट नहीं बन पाएगी। जब हमने ओवरनाइट इसको रख लिया और साथ में एक नैपकिन भी रखा था, चलिए देख लेते हैं कैसे इस क्रीम को मिक्सी में बनाया हमने। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मिक्सी में क्रीम कैसे बनाएंगे, जो हमने कल यूज किया उसे हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, उस क्रीम को दिखाना होगा। ये जो क्रीम है किसी भी कंपनी की जो आपके आसपास मिलती है वही क्रीम आप ले लीजिए। आपको ट्रोपोलाइट की मिल जाए, रिच कंपनी की मिल जाए, जो भी आपको मिलती है उस क्रीम को आप हमेशा फ्रीजर में रखते हैं। जब भी आपको केक के लिए मेल्ट करना है तब आपको करना क्या है, उस क्रीम को निकाल के रखिए। ये देखिए मैंने किस तरीके से मेल्ट करके रखी है। ठंडी तो हो क्रीम काफ़ी, लेकिन जमी हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी आइस जमा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपकी क्रीम मेल्ट होती जाएगी, इतने अच्छे से वो बीट नहीं हो पाएगी। तो अब आपको कोई भी मिक्सी लेना है, ऐसा नहीं कि आपको कोई बढ़िया सी मिक्सी लेनी है, जो भी आपके घर में मिक्सी है उसका बड़ा पार्ट आपने ले लिया है। और ये जो टॉवल मैंने रखा था ना कल गीला करके, वो भी बहुत ही बढ़िया ठंडा हो चुका है। अब इस टॉवल को मैं इस तरीके से रोल कर देती हूँ और ये क्रीम को मैं मिक्सी के अंदर डाल देती हूँ। मिक्सी का जार काफ़ी ठंडा है और चारों तरफ मुझे इसके टॉवल लगा देना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी गर्मी ना बढ़े। गर्मी होगी तो हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करें। अब इसे आप शुरू में जब चलाएंगे तो फर्स्ट पे ही चलाइए, करीब करीब 2 मिनट के लिए आप चलाइए। मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 मिनट चलाने के बाद ये कैसी लग रही है क्रीम। ये देखिए जो पहले मैंने क्रीम आपको दिखाई थी और अभी दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस मिक्सी को वापस से चलाना शुरू करेंगे। वही तरीका रहेगा, टॉवल को चारों तरफ से ठंडा बांध देना है जिससे इसमें बिल्कुल भी गर्मी ना आए। अब हम सेकेंड लेवल पे इसे 2 मिनट के लिए फिर से चलाएंगे। अब जो क्रीम की कंडीशन है काफ़ी हद तक परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसका जो पीक है थोड़ा सॉफ्ट है। सॉफ्ट पीक हमें नहीं चाहिए होता है, पुडिंग के लिए चल जाता है। जब भी हमें आइसिंग करनी होती है तो हमें थोड़ा हार्ड पीक चाहिए होता है। मैंने इस पर अभी 2 मिनट के लिए दोबारा चला ली और चलाने के बाद मैंने अभी इसको थर्ड वाले स्टेज पर चलाई है। ये देखिए अब जो ये क्रीम है बिल्कुल जैसे हमें स्टिफ पीक चाहिए होता है वैसी हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है, और इसकी क्वांटिटी भी जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए ये क्रीम बिल्कुल तैयार है। क्योंकि ये क्रीम मीठी है तो मैंने चीनी नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और डाल देंगे तो और ज़्यादा इसका पीक बढ़िया परफेक्ट हो जाएगा। अब इसे मैं कोन में डालकर आपको बना के दिखा रही हूँ कि ये कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हुई है। ये देखिए अब आप कोई भी केक बनाएंगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बन गई ना एक अमेजिंग सी क्रीम। अब आपको कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अक्सर आप मेरे से पूछते थे कि क्या बीटर लेना ज़रूरी है, बीटर के बिना कैसे बनाएं। तो बीटर के बिना एक ही ऑप्शन हमारे पास आता है कि विस्कर। अब विस्कर से टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे में कई बार क्रीम ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्मियों के टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो ये तरीका मैंने जो आपको बताया है कि टॉवल आपको बहुत चिल्ड करना है, फ्रीजर में रख देना है, और मिक्सी के जार को फ्रीजर में रखना है जिससे उसमें गर्मी ना आए और वो मिक्सी आपका वही काम कर दे जो आपका बीटर काम करता है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब हाँ, हमें ये देखना है कि बेकरी में बहुत ही कम स्पॉन्ज होता है, सॉफ्ट बहुत होता है, क्या कारण है। घर में जो केक बनता है वो भी सॉफ्ट होता है, लेकिन उसमें क्या सीक्रेट डालते हैं, थोड़ा सा स्पॉन्ज होता है और इतना बड़ा केक तैयार हो जाता है। 1 कप मैदे से जो ये केक बनने वाला है इसमें क्या सीक्रेट डालने वाले हैं, सारा वीडियो आखिर तक देखिए, आपको सारे सीक्रेट आज बेकरी के पता चल जाएंगे। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई रख देती हूँ या पतीला रख देती हूँ उसे गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पर। उसमें मैंने एक जाली रख दी है। जिस टिन में हमें केक बनाना हो उस टिन को ग्रीस कर दीजिए और अंदर से पेपर डाल दीजिए।
ये सारे काम हमें हमेशा केक बनाने से पहले ही कर देने चाहिए, जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ये दोनों काम करने के बाद आपको हमेशा जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं वो सारे निकाल के रखिए। आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। मैं चाहती हूँ हर घर में परफेक्ट सा केक बन सके, यही मेरा मिशन है। ये दोनों काम तो हमने कर लिए हैं, अब चलते हैं एक और काम करने, जो है ये कि हमेशा हमें मैदे को छानना चाहिए जब भी हमें केक बनाना हो। चाहे वो पहले से भी आपने छाना हो, लेकिन आप ज़्यादा छानेंगे ना, उससे क्या होगा, ये हल्का हो जाएगा। अब मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया, उसमें एक कप मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है। इसी में मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी मतलब चीनी का पाउडर। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, या एक जो कप आता है मेजरिंग कप, जैसे 250 ml का जो कप आता है, वो मैंने पूरा भर के मैदे को छान लिया और उसी का ही आधा कप मैंने डाल दिया इसमें पिसी हुई चीनी, जो हम घर में पीस लेते हैं। दोनों इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर दिया है। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, 1/3 कप मतलब एक कटोरी का थर्ड वाला पार्ट मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे काम तो चल जाएगा, पर डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पहली बार जब आप बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। एक और बात, ये 10 रुपये का मुश्किल से मार्केट में मिल जाता है जो पैकेट मिल्क पाउडर का, वो भी डाल सकते हैं किसी भी कंपनी का। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। 1/2 teaspoon डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। आप भी बेकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो बस दो काम कर लीजिए, एक मेजरिंग कप ले लीजिए, पूरा सेट बहुत ही आसानी से मिल जाता है, मैं नीचे लिंक आपको डाल देती हूँ, और मेजरिंग स्पून, उससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कम ज़्यादा आप कभी भी कर देते हैं अपने काफ़ी सारे नुकसान कर देते हैं। अब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद इन सबको मैंने मिलाकर एक तरफ रख दिया है। ये हो गए ड्राई इन्ग्रीडियंट। अब यहाँ पर सीक्रेट आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो बेकरी में यूज़ किया जाता है। बेकरी में आप कोई भी केक ऑर्डर करते हो, आपको ये पता ही नहीं चल सकता कि वो एग वाला केक है या बिना अंडे का केक है। अंडे वाले केक में वो जितना स्पॉन्ज होता है, उतना ही स्पॉन्ज हमारे वेजिटेरियन केक में भी होता है। तो क्या ऐसा कारण है? उसमें डाला जाता है ये जेल। ये जेल कौन सा है, अब मैं आपको ये बताऊँगी। एक जेल होता है जो हम केक के ऊपर शाइनिंग के लिए डालते हैं, हम उसकी आइसिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, वो जेल ये नहीं है। उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेल, वो मीठा होता है। ये जेल जो होता है ये प्रोटीन पाउडर से बनाया जाता है। प्रोटीन पाउडर से बनाकर ये जेल रखा जाता है। आप इसे एग रिप्लेसमेंट कह सकते हो, आप इसे केक इम्प्रूवर जेल भी कह सकते हो, इसे केक जेल कहा जाता है। इसे जब हम केक को बनाते हैं तब हमें इसमें यूज़ होता है। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, उसमें एक छोटा चम्मच बिल्कुल टीस्पून मैंने केक जेल डाल दिया है, और उसमें आधा कप मैं डाल रही हूँ पानी। दोनों को डालने से मुझे विस्क करना है, पर क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं अभी इसको आपको बीटर से करके दिखा रही हूँ। आप विस्कर से भी कर सकते हो, आप ये काम मिक्सी से भी कर सकते हो, ये आपकी च्वाइस है। मैं अभी बीटर से आपको इसे बीट करके दिखा रही हूँ। सिर्फ जेल है और पानी है, दो चीज़ें हैं। अब आपको यही डाउट होगा कि अगर हमारे पास ये ना हो तो हमारा केक बनेगा, वो तो रेसिपी मैंने कईयों बार आपको बहुत सारी रेसिपी दी हैं, पर आज मैंने कहा था ना कि बेकरी के सीक्रेट लाई हूँ, तो इसका कारण यही है। अब ये देखिए कितनी झाग हो रही है, बिल्कुल जैसे अंडे में झाग होती है। पर डरे नहीं, ये प्योर वेजिटेरियन जेल है, इसमें प्रोटीन पाउडर मिक्स है। ये देखिए बिल्कुल झाग हो जाएगा पानी और जेल। देखो कैसा लग रहा है, जैसे हमने कोई इसमें क्रीम बीट कर रखी है। यही रिजल्ट मुझे आपको दिखाना था। चलिए अब इसमें हम कौन सा इंग्रेडिएंट और डाल रहे हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। आप कोई भी एसेंस चाहे तो डाल सकते हैं, अगर एगलेस केक है, वैसे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं भी वो एसेंस तो चलेगा। अब आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स बना के रखे ना छान के, उन्हीं को आप धीरे धीरे इसमें डालते जाइए। कट एंड फोल्ड मेथड से धीरे धीरे इसे मिक्स कीजिए। ये केक बनाया हमारा सिर्फ एक कप मैदे से, और बहुत ही बढ़िया बनकर सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट रहेगा ये केक। मैं धीरे धीरे इस सारे मिश्रण को इसी के अंदर डाल रही हूँ। अब इसमें 1/4 कप मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल आप डालेंगे जिससे ये केक काफ़ी मॉइस्ट बनता है। आप चाहें तो बटर को भी डाल सकते हैं, शुद्ध घी को भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे पहले मेल्ट कीजिए, फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा
कम कर दीजिए, मतलब थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, जो कि हमें इतनी नहीं चाहिए। अब आप इसमें 1/4 कप पानी एक्स्ट्रा और डाल दीजिए। अब आपको जेल नहीं डालना है, बस पहली बार ही आपने जेल डाल दिया। अब यहाँ देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब परफेक्ट हो गई, तो अब हमें यहाँ पर एक और सीक्रेट भी डालना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ है साइट्रिक एसिड, सिर्फ 1/4 टीस्पून। साइट्रिक एसिड ये लोग नींबू के फूल क्यों डालते हैं, जिससे इनका केक लंबे टाइम तक खराब ना हो। ये बेकरीज में केक बनाते हैं, आप उस दिन डिज़ाइन कुछ और पसंद करके आते हो, तो उनके पास केक ऑलरेडी तैयार होते हैं, बस आइसिंग करके आपको दे देते हैं। तो यही सीक्रेट है जिसकी वजह से इनका केक काफ़ी लंबा चलता है। बिना फ्रिज के भी इस केक को रख देते हैं 8-8, 10-10 दिन। तो अब मैंने यहाँ पर साइट्रिक एसिड डाल दिया है, ये दूसरा सीक्रेट आपको बता दिया। अब बाय चांस आपके पास साइट्रिक ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, या इसे आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर 1/2 चम्मच पानी और डाल सकता है, हल्का सा बीट और कर दीजिए, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये केक तैयार हो जाएगा। अब इस केक का मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, जैसा हमें बिल्कुल बेकरी स्टाइल चाहिए। अब हम इसे बेक करेंगे। जो टिन मैंने सेट करके रखा है, उसी में मैं इसको मिश्रण को डाल रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही होनी चाहिए। ये बहुत ही लाइट बनकर तैयार होता है। सारे मिश्रण को मैंने केक टिन के अंदर डाल दिया है, 1-2 बार आप टैप कीजिए। और उसके बाद जो गरम कढ़ाई मैंने जो पतीला रखा है, उसके अंदर मैंने जाली रख दी है, उसके ऊपर आप ये रख दीजिए। यहाँ पर आप हमेशा अपने हाथ को बचाया कीजिए, काफ़ी गर्म होता है। आप ओवन में चाहें बनाना तो उसे ओवन में बनाइए, 180 डिग्री पर आप बनाइए, या उससे थोड़ा और कम कर दीजिए, 170 कर दीजिए, और इसे 20 से 25 मिनट बनाइए। और दोनों ही जो रॉड होती हैं, हमेशा दोनों ही ऑन होनी चाहिए। ये आप कई बार पूछते हैं कि रॉड कौन सी जलाएं, नीचे वाली या ऊपर वाली, हमेशा बोथ साइड इसकी रॉड जलनी चाहिए। अब अगर आपने माइक्रोवेव में बनाना है, तो माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोल्ड पे भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने कढ़ाई में बनाया हुआ है, तो ये देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसका होल भी बंद कर दिया था, जिससे उसमें एयर ना जाए, और वो कंडीशन थी कि ऐसा लग रहा था ये केक परफेक्ट बनेगा कि नहीं। बिल्कुल मत डरिए, उसे खोलकर बिल्कुल मत देखिए। अब जब आप 25 मिनट बाद जब इसे खोलकर देख रहे हैं, परफेक्ट केक आपका बन चुका है। थोड़ा सा ठंडा कीजिए, और इसे ठंडा करने के बाद डीमोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे एयर पॉकेट्स होने की वजह से इसमें जो क्रीम का टेस्ट होता है, जो कुल्फी का केक होता है, जो भी बेकरी वाला फ्लेवर देते हैं हम लोग, तो वो फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक जाते हैं इस केक के अंदर, जिसकी वजह से केक बहुत ही मॉइस्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, और आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको लगता है कितना भी महंगा मिले, इस बेकरी से हम ये केक जरूर लेंगे। कोई अलग ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक्स हैं जो आप घर में भी बना सकते हो। अब देखिए केक कितना परफेक्ट बेक हुआ है, कहीं से कम नहीं पका, कोई अंदर नहीं दबा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है। अब इस केक को ठंडा करने के बाद मैं आपको 3 लेयर में कट करके दिखा दूंगी। सबसे पहले इस केक की ऊपर वाली लेयर को हटा दीजिए। ये जो लेयर है, बेकरी में इसी से ही रंबॉल बनते हैं, या फिर जो पुडिंग वगैरह के नीचे केक डाला जाता है, वो ऊपर के इसी पार्ट को यूज किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो ये केक है हमारे पास, उसके 3 लेयर आप काटेंगे पतले पतले। यहाँ मैं आपको नॉर्मल नाइफ से कट करके दिखा रही हूँ, जिससे आप भी आराम से इसे कट कर सकें। देखा आपने, तीनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, सभी में ऊपर से लेके नीचे तक एयर पॉकेट्स हैं। यही इनकी टेक्निक होती है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो देखा ना आपने, छोटे छोटे सीक्रेट हैं जो कि अक्सर हमें पता नहीं होता। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, तो यकीन मानिए बेकरी आप घर में ही खोल लेंगे। और इस केक को इसी क्रीम से मैंने कैसे बनाया, वो तो आप सब कल देख ही चुके हैं। वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। दोनों पार्ट देखेंगे तभी आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।